हेलो एवरीवन, डिंपल मेजी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटका कुल्फी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। हम ये कुल्फी बिना मावा के बनाएंगे, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है और हमने 1 कटोरी में 4-5 केसर के धागे लिए हैं। इसमें हम थोड़ा दूध ऐड करेंगे जिससे कि केसर में अच्छा कलर आ जाए। गैस चालू कर देंगे और हम इसमें 1/2 कप शक्कर डालेंगे। हमने इसमें शक्कर पहले इसलिए डाली है कि जिससे कि शक्कर का इसमें अच्छे से कलर आ जाए। हमने ये 1/2 कप शक्कर यूज की है। आप अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करें तो थोड़ी ज़्यादा शक्कर ऐड कर सकते हैं। हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता डालेंगे। केसर भी इसमें ऐड कर देंगे। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे चिपकेगा नहीं। इसमें अच्छे से उबाला आना चालू हो गया है। इसको लगातार चलाते रहेंगे और साइड में जो मलाई चिपकने लगती है किनारों पे, वो भी हम इसके अंदर ले लेंगे। हमने इसमें मावे का यूज नहीं किया है। बिना मावा भी ये कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड नहीं किया है। अगर आपको पसंद हो और आप ऐड करना चाहते हो तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। ये हमारा दूध उबल उबल के आधा हो गया है और अब ये दूध इतना गाढ़ा हुआ है। अभी जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। इसके लिए हम अब गैस बंद कर देंगे। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ये हमारा कुल्फी का गोलन ठंडा हो गया है। अब हम इसको मोल्ड में भर देंगे। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप प्लास्टिक की ग्लास में भी भर सकते हैं। अब हम इसको जमने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। जब ये थोड़ी जम जाएगी तब इसको एक बार निकाल के अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसके अंदर स्टिक इंसर्ट करेंगे। ये हमारी 1 लीटर दूध से इतनी कुल्फी तैयार हुई है। ये हमारी एकदम टेस्टी मटका कुल्फी तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा ये कुल्फी वाला वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।